आईकू ने इंडियन मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस नए डिवाइस का नाम आईकू Z9 Lite 5G है। कंपनी ने इसे भारत में अपने सबसे सस्ते 5G फोन के तौर पर लॉन्च किया है। फोन दो वेरिएंट 4GB प्लस 128GB और 6GB प्लस 128GB में आता है। फोन के 4GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपए है। वहीं इसके 6GB रैम वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,999 रुपए खर्च करने होंगे। फोन 6GB तक की वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12GB तक की हो जाती है। फोन सेल के लिए कंपनी के ई स्टोर और अमेजन इंडिया पर 20 जुलाई को उपलब्ध होगा। बैंक ऑफर में फोन 500 रुपए की छूट के साथ खरीदा जा सकेगा। कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई जबरदस्त फीचर ऑफर कर रही है। आइए डिटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। कंपनी इस फोन में 1612x720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 6.56 इंच का IPS LCD HD Plus डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 840 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन में 6GB तक की रियल और 6GB तक की वर्चुअल रैम दी गई है। 128GB तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर माली G57 GPU के साथ डायमेंसिटी 6300 चिपसेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में LED फ्लैश के साथ दो कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000 mAh की है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। OS की बात करें तो फोन एंड्रॉइड 14 पर बेस्ट फन टच OS 14 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। IP64 रेटिंग वाले इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल सिम 5G, 4G, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2, GPS और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।